हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एचपी कंपनी के एलीट बुक सीरीज से टच स्क्रीन लैपटॉप का फुल रिव्यू करेंगे। इस लैपटॉप के बारे में मजीद जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, एचपी कंपनी के एलीट बुक लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। इस लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है एचपी एलीट बुक 840G1 है। HP EliteBook 840G1 लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। बात करते हैं इस लैपटॉप के बॉडी मटेरियल और कलर के बारे में। इस लैपटॉप का जो कलर है वो ग्रे ब्लैक है और इसका जो बॉडी मटेरियल है वो मेड प्लास्टिक है। दोस्तों, अब इस लैपटॉप का आपको 360 एंगल से व्यू करवाते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका दूसरी साइड का व्यू है, ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप है। ये इसका बैक साइड का व्यू है, ये इसका सेकेंड साइड का व्यू है। ये बहुत ही इजी हैंड कैरी और लाइट वेट लैपटॉप है। चले दोस्तों, अब बात करते हैं इस लैपटॉप के अंदर जो स्पेक्स है उसके बारे में और इस लैपटॉप के बारे में मजीद जानकारी आपको देते हैं। HP EliteBook 840G1 लैपटॉप का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की स्क्रीन साइज के बारे में। इस लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज है 14 इंच है, 14 इंच इस लैपटॉप का स्क्रीन साइज है। ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, इसका टच बहुत ही स्मूथ है। IPS पैनल है, ये गोरिल्ला ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी अनेबल है। ये HD रेजोल्यूशन सपोर्टेड है। इस लैपटॉप के ऊपर अगर आप कोई गेम प्ले करते हैं या उसके अलावा आप कोई मूवी देखते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अल्ट्रा शार्प होगा। इसके अलावा इस LED के टॉप के ऊपर एक अदद वेबकैम है जिसका रिजल्ट बहुत ही साफ है। इसके ऊपर आप पिक्चर भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं अपनी फैमिली की, और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चैट करना चाहते हैं तो वो भी ईजिली हो जाएगी। ये इस लैपटॉप का बॉटम साइड का व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप का जो बॉटम साइड का व्यू है टोटल जो है मेटेलिक बॉडी के साथ बना हुआ है। सिल्वर इसका कलर है, बहुत सॉलिड चीज़ है ये। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये आपको टोटल बार नज़र आ रही है। ये इसके यहाँ पर स्पीकर इंस्टॉल्ड है जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। इसके अलावा आप बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। 14 इंच स्क्रीन साइज जितने भी लैपटॉप होते हैं उनमें स्मॉल साइज कीबोर्ड आता है, नमपैड नहीं होता, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर 2-in-1 ऑप्शन है, नमपैड भी है और विदाउट नमपैड भी है। वो इस तरह कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UI और O के ऊपर देखें 5, 4, 6 मेंशन है। आप अगर इसको नमपैड के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं आपने फंक्शन की प्रेस करके, उसके अलावा यहाँ पर ये आप देखें नम लिखा हुआ है, ये नम लॉक लिखा हुआ है। अगर आप फंक्शन की प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो इसका जो है यहाँ पर नमपैड बन जाएगा और नमपैड चलेगा। अगर इसके अलावा अगर आप इसको आप इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं आप नमपैड दोबारा ऑफ कर सकते हैं फंक्शन की प्रेस करके। इसके अलावा इस कीबोर्ड की जो खासियत है कि ये बैकलाइट कीबोर्ड है, अंधेरे के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इसकी कीज़ रोशन होती हैं। उसके अलावा इसकी हर कीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस पर टाइपिंग का बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। इसके अलावा ये इसका माउस टच पैड है जो बहुत ही स्मूथ है। इस माउस की जो वर्किंग है वो बहुत ही फास्ट है। इसके टॉप के ऊपर भी राइट और लेफ्ट का बटन है और इसके बॉटम में भी राइट और लेफ्ट का बटन है, ये मेटेलिक बटन है। यहाँ पर कीबोर्ड के सेंटर के ऊपर भी एक आपको माउस मिलता है एक्स्ट्रा। चले दोस्तों, अब बात करते हैं इस लैपटॉप की स्पेक्स के बारे में। इस वक्त इस लैपटॉप के अंदर जो जेनुइन प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो इंटेल कोर i5 का है जिसकी जो जनरेशन है वो 4th है। उसकी सीरीज जो है वो 4300U 4300U सीरीज का कोर i5 का प्रोसेसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है जिसकी जो टर्बो स्पीड है वो 1.9 GHz है। उसकी जो मैक्स टर्बो स्पीड है वो 2.9 GHz है। इसके अलावा इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इस प्रोसेसर के अंदर अनेबल है। 4GB DDR3 की रैम इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप के अंदर रैम की 2 स्लॉट होती हैं। 8 8GB के आप 2 मॉड्यूल लगाकर इसमें 16GB रैम कर सकते हैं। ये लैपटॉप मैक्सिमम 16GB तक रैम सपोर्ट करता है। 500GB साटा हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसमें आप 1TB साटा हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आप SSD हार्ड ड्राइव भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर एक खास बात है कि अगर आप इसमें M SATA हार्ड ड्राइव भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगी। ये देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पर M SATA लगने का ऑप्शन मौजूद है। इस लैपटॉप में बिल्टन वाईफाई और बिल्टन ब्लूटूथ डिवाइसेज इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर जो ग्राफिक चिप है वो ग्राफिक प्रोसेसर जो है वो इंटेल HD ग्राफिक 4400 है। 4400 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो आपकी रैम के साथ शेयर करके कम अज कम 2GB होता है। इसके ऊपर आप जो है PUBG गेम खेल सकते हैं, उसके अलावा GTA गेम भी इस पर प्ले हो जाएगी।
यहाँ पर देखेंगे इंटेल एचडी ग्राफिक फैमिली लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड की सीरीज इंटेल एचडी ग्राफिक 4400 सीरीज का, जो आपकी रैम के साथ शेयर करके 2124 MB है, यानी 2 GB का ये ग्राफिक कार्ड है। चले दोस्तों, अब इस लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल आपको देते हैं। इस लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर चार्जर लगेगा लैपटॉप का। यहाँ पर देखेंगे इथरनेट पोर्ट है, इसके अलावा 2.0 USB पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट, डीसप पोर्ट भी इसे कहते हैं, ऑडियो और माइक का कम्बो जैक मौजूद है। इस लैपटॉप की दूसरी साइड के ऊपर हीट एग्जॉस्ट का सॉलिड सिस्टम है, जो इस लैपटॉप को बिल्कुल कूल रखता है। यहाँ पर VGA पोर्ट है, इसके अलावा 3.0 की 2 USB पोर्ट यहाँ पर भी मौजूद है, SD कार्ड लगने की सहूलत मौजूद है। HP Elitebook 840 G1 लैपटॉप की जो प्राइस है वो 32,500 रुपीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।